अस्सलाम वालेकुम, मैं लुकमान बुखारी। इस टाइम हम चेकआउट करने लगे हैं फेरी मेडोज। मैं फेरी मेडोज से, जैसे कि मैं आपको कहा था, बिल्कुल मेरे पीछे है नांगा पर्वत। ठीक है, नांगा पर्वत है। लेकिन हमने यहाँ पर एक रात स्टे किया यहाँ पे। यहाँ का मौसम बहुत आउटस्टैंडिंग है। यहाँ का कभी यहाँ पे बारिश होने शुरू हो जाती है, कभी यहाँ धूप निकल आती है। और अक्सर आप देखें कि पहाड़ों में बर्फ़ है। ये पहाड़ों में जो बर्फ़ है, ये रिसेंटली अभी रात को पड़ी है। ये फेरी मेडोज के अलावा हमने कुछ घंटे स्टे किया था ब्याल कैंप पे। और ब्याल कैंप से आगे तकरीबन एक घंटे डेढ़ का ट्रैक है जो है नंगा पर बेस कैंप है वन। ठीक है, अब हम वापस आ गए हैं और हम वापसी नीचे तकरीबन हज़ारा जाने लगे। ये हमारे दोस्त साहब जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिन भट्ट। हमें 8 दिन हो गया घर से निकले, हम घूम फिर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लास्ट जो सा ट्रैवल था हमारा इधर था, इधर बहुत सर्दी थी। बेस कैंप जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली जॉन। हम लोग लाहौर से सारे बिलोंग करते हैं। अभी हम इस वक्त खड़े हैं फेरी मेडोज से। यहाँ पे नांगा पर्वत का व्यू बहुत अच्छा है। सेकंडली, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब आप इस साइड पे हैं ना, तो अच्छा कैमरा अपने साथ जरूर लेकर आए। जो हम लेकर आए थे, क्योंकि हमने रस्ते में देखा एक बंदा चाइना का कैमरा लेकर घूम रहा, वो एक अच्छा नहीं है। और एक अच्छा कैमरा अपने साथ जरूर लेकर आइए। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूद खान। मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा है। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टॉप पे जाऊँ, पीक पे जाऊँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों का। अक्सर लोग मुझे बातें भी करते हैं, बड़े बीसी किस्म के लोग हैं, लेकिन मैं कभी भी यानी कि रुकता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह पर जाता रहूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ का। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि यहाँ का मौसम यह बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आप जब सब इधर आएँ और बहुत मौसम को इन्जॉय करेंगे आप लोग। ये हैं अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान आरिफ है। वापस एंटर होने देते हैं कि नहीं देते? इसके अलावा हमें हमारे दो लोग हैं, ये अली जोन दाई। एक और चीज़, इनको इनको भी कंपनी से कंपनी निकाल देना है, और मुझे भी और मुझे भी नहीं निकाल देना लगता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अपने साथ ना, एक रेनकोट जरूर लेकर आए, क्योंकि हमारा मौसम का कुछ नहीं पता होता। एक रेनकोट आपके पास और कैंप आपके पास, ये दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए जब आप इस रास्ते पर ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि कल रात काफ़ी बंदे यहाँ पे फंस गए। और अगर आप चाहें तो अपना खाना भी साथ में ले आए। इधर खाने के लिए भी बड़ा महंगा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा। थैंक यू, एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।